हाय गाइज, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास जियो का सिम कार्ड है और आप उसका नंबर भूल गए हैं, आप उसका नंबर पता करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। दोस्तों, बहुत ही आसान है, पूरी डिटेल मैं यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम पांच तरीके से जियो का नंबर जानने वाले हैं। सबसे पहला तरीका एकदम सिंपल है, आप किसी भी मोबाइल पर कॉल कीजिए, सामने वाले के मोबाइल पर आपके मोबाइल से कॉल जाएगा तो आपको आपका नंबर दिखाई देगा, लेकिन ये ट्रिक उसी समय काम करेगी जब आपके मोबाइल में बैलेंस है। अब दोस्तों, दूसरा तरीका क्या है कि आप प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में आपको जियो कॉल करके एक एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जियो कॉल जो है वो इंस्टॉल हो गया है। यहाँ से हम इसे ओपन करते हैं, जैसे ही आप ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से हम नेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ से भी नेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ से अलाउ, यहाँ से अलाउ, यहाँ से अलाउ, यहाँ से अलाउ, अलाउ ऑल द टाइम, अलाउ अलाउ अलाउ। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जियो कॉल कर लेते हैं, सेट एज ए डिफॉल्ट, कॉन्फिगर जियो कॉल यूजिंग जियो सिम। यहाँ पर हम इसे स्किप कर लेते हैं और यहाँ पर तीन डॉट पर जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे आपको आपका जियो सिम का नंबर दिखाई देगा। दोस्तों, अगला तरीका है, अगर आपने आपके मोबाइल में माई जियो एप्लीकेशन को डाउनलोड पहले से कर रखा है तो माई जियो ऐप के अंदर भी आपका मोबाइल नंबर जो है वो दिखाई देता है। इसका ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पर, ये देखिए, आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दिखाई देगा अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो। अगला तरीका देख लेते हैं, आपको डायलर में जाना है, डायल करना है 1299 और जियो से कॉल करना है। आप जियो से कॉल करेंगे, ये कॉल डिसकनेक्ट हो जाएगा और आपके पास एक SMS आएगा। ये देखिए, आपके पास एक SMS आया है और इस SMS के अंदर आपको आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। अगला तरीका है, आपको मैसेज करना है, मैसेज में आपको लिखना है, यहाँ पर मैं न्यू मैसेज कर देता हूँ, आपको एक नया मैसेज टाइप करना है, आपको इसको भेजना होगा 199 पर और यहाँ पर आपको लिखना है BAL, बैलेंस का BAL और जियो की सिम से इसे सेंड कर देना है। अलाउ कर लेंगे और जैसे ही आप इस मैसेज को सेंड करते हैं आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। ये देखिए, इस मैसेज के अंदर आपको सारी डिटेल दिखाई देगी और साथ में यहाँ पर आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर ऊपर देखिएगा आप, ये देखिए। दोस्तों, अगला तरीका है, आप अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद ड्यूल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क में चले जाइए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देखेंगे कि अगर आपने दो सिम डाल रखी है तो आपकी जो जियो सिम है उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये पांच तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप अपना मोबाइल नंबर जान सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपका मोबाइल इंटरनेट टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर बताइए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।